पीडीओ के जांच में सालेपुर में जल नल बंद मिला है। सिंघिया बीडीओ ने सालेपुर पंचायत में जन कल्याणकारी योजना की जांच की। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत सालेपुर पंचायत में जल कल्याणकारी योजना की जांच सिंघिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर ने की। उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय सालेपुर में जांच किए तो छात्रों की उपस्थिति में 824 नामांकित छात्र में मात्र 248 छात्र ही उपस्थित मिले। सिलेंडर गैस के बदले जलावन पर मध्यान्ह भोजन बनाते देखा गया। इसके अलावा वार्ड 3 और वार्ड 8 में नल जल का जांच किए तो नल जल बंद मिला। लोगों ने बताया कि वार्ड 3 में मोटर जल जाने से 2 महीने से जल नल का पानी बंद है। वहीं वार्ड 8 के लोगों ने बताया कि 1 वर्ष से जल नल के पानी बंद है। वहीं बला में सोनम यादव के PDS दुकान का भी जांच किए। मौके पर पंचायत रोजगार सेवक रोशन कुमार यादव, मुखिया अशोक पासवान, संतोष यादव, कार्यपालक सहायक करण जी के अलावे कई लोग उपस्थित थे। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पी न्यूज़।